नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज शिवांश वसीद एंड वेलकम बैक टू माय डेली इंट्राडे स्टॉक सीरीज। दोस्तों आज मार्केट बहुत अच्छी रही, वी नो द टारगेट्स कि मार्केट कितनी ऊपर जाएगी, कहां से मार्केट गिरेगी, बट आज एक मैंने सिली मिस्टेक करी है मार्केट के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बट मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं कि सर आप ये स्टॉक्स कैसे फाइंड करते हैं, बिकॉज जब आप अपने वीडियो पे बताते हो कि आप इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस होने के बाद बाय करिए, क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये पैटर्न बन रहा है, जब हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो सर हमें फाइंड नहीं हो पाता, हम नहीं पता लगा पाते कि हमें किस लेवल पे बाय करनी है, क्या स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ दैट स्टॉक। आपको स्टॉक की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, आपके स्टॉक को बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है एंड आप इसी के थ्रू मार्केट पे सस्टेन कर पाओ। आप बोलते हो कि सर आप स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करते हो, क्या आपने कोई फिल्टर लगाया हुआ है या फिर आप कोई स्क्रीनर यूज करते हो? नहीं गाइस, मैं मैन्युअली एक एक स्टॉक को चेक करता हूं एंड देन आप लोगों को उसमें से 5 स्टॉक्स बताता हूं। बहुत सिंपल है मेरे लिए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स पे अपने एनालिसिस कर रखी है एंड मैंने अपने प्राइस एक्शन के थ्रू अपने चार्ट पे टूल्स लगा रखे हैं। सो मैं कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि कहां पर बाइंग करनी है, कहां पर सेलिंग करनी है। उसी के थ्रू हम लोग प्राइस एक्शन को इनोशिएट करके आप लोगों को बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करनी है। सो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप लोग भी समझ सकते हैं, और आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए हम लोगों ने अपना कोर्स लेकर आए हैं, जो हमारा सेकंड बैच है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 15th of Feb। यस गाइस, 12 दिन बाद हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड बैच को एंड हम लोग वेरियस ऑफर्स भी लेकर आए हैं। फर्स्ट 20 पीपल जो ज्वाइन करता है उनके लिए भी वेरियस ऑफर्स है और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे नीचे आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी क्वेरीज ले सकते हैं। नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म भी मिलेगा, आप वहां पर अपना सबमिट करेंगे डिटेल्स, हम आप लोगों को पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे। गाइज बहुत ज्यादा लाइफ लाइन आप एक्सपीरियंस होने वाला है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एंड आई एम श्योर जो आप इन्वेस्ट करेंगे अमाउंट वो आप लोगों को फ्यूचर में 1000% तक का भी रिटर्न देकर जाएगा। बहुत सिंपल है, मैंने बहुत लोगों को पढ़ा दिया है एंड आप लोगों को भी मैं ज्वाइन करवा रहा हूं अपने इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एंड डेफिनेटली ये जो प्रोग्राम है आप लोगों को लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देखा जाएगा। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं जो सिली मिस्टेक मैंने करी थी बेसिकली। सो आज हुआ क्या था, अराउंड मैं मार्केट को वॉच कर रहा था एंड मैंने अर्न कर लिए थे थोड़े बहुत 5,000 to 6,000 rupees मैंने अर्न कर लिए थे, बिकॉज मेरा जो डेली का है, डेली मेरा है कि अराउंड मैं 5,000 rupees अगर अर्न कर लूं उसके बाद जो भी मेरा ऊपर का प्रॉफिट होता है या तो फिर मैं उसके थ्रू अपने कोई और स्टॉक्स पे ट्रेड करता हूं एंड वो मेरा रिस्क होता है। ठीक है, 5,000 तो मेरा पूरा सिक्योर होता है एंड उसके ऊपर जो भी मेरा प्रॉफिट होता है, अगर मुझे कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं उस प्रॉफिट को रिस्क लेके ट्रेड करता हूं, यही मेरा डेली का स्केड्यूल है। ठीक है, सो आज क्या हुआ, अराउंड मुझे 5,000 rupees का प्रॉफिट हो गया था एंड बैंक निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग आवर्स के अंदर अराउंड 35,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे रही थी। यस गाइस, चार्ट्स के अंदर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी बताऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा भी। सो अराउंड 35,000 के ऊपर ही ब्रेकआउट दे रही थी एंड मैंने सोचा कि कॉल ऑप्शन को बाय करने से अच्छा, बिकॉज लास्ट आवर था, बाय चांस अगर नहीं हो पाता क्रॉस एंड तो हमारा पूरा प्रीमियम चले जाता या फिर और ज्यादा हमें लॉस बुक करने को मिलता। सो उस वजह से मैं पुट शॉर्ट करने के बारे में सोच रहा था। सो अराउंड 1000 क्वांटिटीज मैंने पुट की, शॉर्ट करी 35,000 का पुट ऑप्शन मैंने शॉर्ट करा, बिकॉज आई एम बुलिश, क्योंकि मैं पुट शॉर्ट कर रहा हूं तो मैं बुलिश हूं। ठीक है, सो उसके बाद पुट शॉर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने मार्केट को वॉच करा, ठीक है, मैंने प्रॉफिट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ अपने चार्ट्स को देख रहा था, वो थोड़ा ऊपर गया अराउंड 35,070 हुआ। ठीक है, तो मैंने सोचा अपने प्रॉफिट्स को चेक करा जाए। सो आप यहां देख सकते हैं आपको अराउंड 26,000 का लॉस शो कर रहा होगा उस पुट ऑप्शन में। ये 26,000 का लॉस कैसे हुआ गाइस, एक सिली मिस्टेक थी, मैंने भी ज्यादा फोकस नहीं करा बिकॉज पता नहीं क्या हुआ, मैं कार चला रहा था एंड मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने सोचा कि अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, बिकॉज सामने मेरे जब मैं कार ड्राइव कर रहा था सामने अटैच होता है फोन जहां पर मैं अपने म्यूजिक चलाता हूं, तो मैंने सोचा स्क्रीन में 35,000 क्रॉस हो रहा था एंड मैंने राइट स्वाइप करके ट्रेड ले लिया, बट एक्चुअल में मैंने पुट बाय कर लिया पुट शॉर्ट करने की तरीके से। यस गाइस, इतनी सिली मिस्टेक, बहुत मतलब पहली बार इतनी सिली मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से मुझे 26,000 का लॉस बुक करना पड़ा एंड उसके बाद मैंने साइड में गाड़ी रोकी। ठीक है, फिर मैंने अपॉर्चुनिटी फाइंड करी, उसी टाइम अराउंड
डेढ़ साल बाद, यस गाइस, डेढ़ साल बाद जाके मैंने पहला फ्यूचर बाय करा। मैंने डेढ़ साल तक फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करा, मैं ऑप्शंस एंड कैश में ही ट्रेड कर रहा था, बट मैंने फ्यूचर बैंक निफ्टी का बाय करा एंड उसके थ्रू मैंने अपने लॉसेस को रिकवर करा, जो भी आप यहां देख सकते हैं। मैंने पुट ऑप्शंस सेल करी, कॉल ऑप्शंस थोड़ी बहुत बाय करी, इन द एंड मैं 31,000 समथिंग के प्रॉफिट पर रहा एंड 5,000 का प्रॉफिट लेकर मैं एग्जिट करा, जो कि मेरा एम था। सो गाइज, ये सिली मिस्टेक जो मेरे साथ हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि किसी के साथ भी ना हो और मेरे साथ भी दोबारा ना हो। सो आपको अपना एक टारगेट सेट करना होता है गाइज, आप अपना एक टारगेट सेट करते हैं, जैसे कि 5,000 रुपीज अगर आप डेली अर्न करना चाहते हैं या 2,000 रुपीज डेली अर्न करना चाहते हैं। उसके बाद जो भी आपका एक्सट्रीम प्रॉफिट होता है, जो भी आपका बचा हुआ प्रॉफिट होता है, अगर आप उसे भी घर लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं, अपनी स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, बट अगर आप लोगों को कोई ट्रेड दिख रहा है तो वही आपका रिस्क होना चाहिए एंड उसी के बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो गाइस, इसी के थ्रू मैं अपना काम करता हूं, बट आज जो मैंने ये सिली मिस्टेक करी है वो आज के बाद कभी नहीं करूंगा। सो यहां पर आपको पूरी डिटेल्स दिख गई होंगी, जैसे 26,000 का लॉस एंड 31,000 का आपको जो प्रॉफिट शो कर रहा होगा, ठीक है। सो आइए चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, चार्ट्स पर हम लोग देखते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से काम करना है एंड स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्राडे स्टॉक्स की एनालिसिस एंड कल कौन से स्टॉक्स बाय करने उसके बारे में बात करेंगे, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। सो सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूं, दैट इज एनआईटी लिमिटेड। ये स्टॉक मैं कल भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग आज बाय कर सकते हैं एंड आज भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अच्छी मूवमेंट दी थी, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं, अगर हम लोगों को एक स्टॉक पे लगातार 2 से 3 दिन भी अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं तो हम उसे भी बाय कर सकते हैं। तो ये कल के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, कल भी हम लोग बाय कर सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट को समझेगा, साइकोलॉजी को समझेगा, ठीक है। मार्केट पे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखा एक अच्छी मूवमेंट, एक अच्छी रैली आते हुए हमें देखने को मिली एंड वो स्टॉक बहुत अच्छा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ऑफकोर्स उसे कूल ऑफ होना है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट उसे लेना है। उसने एग्जैक्ट एक रिट्रेसमेंट लिया, अराउंड ये 38% तक इसने रिट्रेसमेंट लिया अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो, ठीक है। उसके बाद यहां कंसोलिडेट करा एंड उसके बाद हम लोगों ने एक अप मूव देखी और इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद इस लेवल से एक दोबारा मूवमेंट स्टार्ट हुई, एक सेम रैली जो यहां पर कंटिन्यू थी वो एग्जैक्ट सेम रैली दोबारा कंटिन्यू हुई। यहां पर कूल ऑफ हुआ था यानी कि रिट्रेसमेंट लिया था, तो यहां पर भी इसने एक रिट्रेसमेंट को लिया, ठीक है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहां कंसोलिडेट करा, ये देख सकते हैं एग्जैक्ट यहां सेम कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहां से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। सो यस, इसे कहते हैं स्टॉक की साइकोलॉजी को समझना और बैक टेस्टिंग करना। बैक टेस्टिंग क्या होता है कि आप प्रीवियस इसी स्टॉक के प्रीवियस चार्ट्स पे चले जाते हैं एंड वहां पर आप स्टडी करते हैं क्या सेम पैटर्न फॉलो हुआ, कि इन फ्यूचर क्या वो फॉलो हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आप देखिएगा जिस लेवल से ये बाउंस करा है वही उसका प्रीवियस हाई था, एग्जैक्ट जो इसके लिए रेजिस्टेंस था उसे सपोर्ट बनाया एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड इसी लेवल से एक बाइंग आ रही है। सो यस, ये अभी भी बाय है। जो मेरे टारगेट्स हैं वो प्रोबेबली इस लेवल तक हैं जो कि प्रीवियस हाई है एंड प्रोबेबली यहां तक ये जा सकता है। सो राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 198.50। आई थिंक कि अगर ये 199.50 के ऊपर निकलता है तो आप लोग एक बाइंग बना सकते हैं। हो सकता है कि कल ये हॉल्ट कर जाए एंड अगले दिन मूवमेंट दे जाए, तो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर से आप डेफिनेटली ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 205 के ऊपर तक भी ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है। आर नेक्स्ट स्टॉक इज MGL। MGL पे भी मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूं आप लोगों को एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी आज अपनी वॉच लिस्ट शेयर करी थी एंड बताया था कि मार्केट बुलिश है, वॉच लिस्ट भी मैंने अपनी शेयर करी थी। आप यहां देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, आप यहां देख पा रहे हैं एंड मल्टीपल ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही होगी दैट इज कमिंग एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहां रेजिस्टेंस था, एक सेकेंड टाइम यहां रेजिस्टेंस, जब इसे ब्रेक करा दैट बिकम सपोर्ट, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद ब्रेक कर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करा वो सपोर्ट बना, सपोर्ट को उसने ब्रेक करा वो रेजिस्टेंस बना, सेकेंड टाइम भी वो उसके लिए रेजिस्टेंस था, आज के दिन उसने उसे ब्रेक करा। अब जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है तो एक बाइंग आएगी, बाइंग आने के बाद वो सपोर्ट बनेगा। सो यस, यहां से एक बाइंग आ सकती है। एक साइकोलॉजिकल लेवल को भी इसने ब्रेक करा है, दैट इज 1100 को, 1101 पे अभी चल रहा है। अगर ये 1103 के ऊपर जाता है यू कैन गो फॉर अ बाय। आई थिंक 10 से 15 रुपए ये आप लोगों को आराम से दे देगा, ठीक है।
Our next stock is AstraZeneca. AstraZeneca फार्मा भी आप लोगों को दिखा दिया जाता है, देखिए यहां पे। यस सो यहां पे प्रॉबली एक बुलिश गाटले पैटर्न फॉर्म हुआ है। एक बुलिश गाटले पैटर्न फॉर्म हुआ है, एक अपमूव, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा एक रिट्रेसमेंट, अगेन एक अपमूव, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करे, एक डाउनफॉल आया, एंड एग्जैक्ट 78.6% से हम लोगों ने एक अपमूव देखी है। सो यस यहां पर एक बाइंग आ सकती है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न मुझे लगता है कि यहां पर एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, जिसका प्रोबेबल टारगेट जो हमें लग रहा है दैट इज 39,040 का। एंड राइट नाउ वो कितने पे चल रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, दैट इज 38,050 पे। सो ऑलमोस्ट 90 रुपीज की अभी भी एक अपमूव ये पर्टिकुलर स्टॉक दे सकता है। इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा, आई थिंक ये कल तक या परसों तक अपने टारगेट्स को अचीव कर लेगा। ओके आर नेक्स्ट स्टॉक इज कॉन्कॉर। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे भी हम लोग अपनी बाइंग ही मेंटेन करे हुए हैं, लेट मी शो यू। एंड इसने आज ब्रेकआउट भी दिया है, सो लेट मी गो टू अ वीकली टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को बहुत इजी दिख जाएगा, देखिएगा हम लोगों ने एक हाईस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा था, ठीक है, एंड लोस को कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा था। इस पर्टिकुलर एरिया का इसने ब्रेकआउट दिया, मैं लेट मी जूम दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके मैं इसको जूम करता हूं तब आप लोगों को और क्लियरली दिख जाएगा। यस इस पर्टिकुलर लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद एक अपमूव आ गई, ठीक है। बट आप एक चीज देखिएगा, फर्स्ट टाइम ये जो जोन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोन, ठीक है। ये जोन डिमांड जोन से सप्लाई जोन भी बन सकता है, सप्लाई से डिमांड जोन भी बन सकता है, बट राइट नाउ ये क्या काम कर रहा है, डिमांड जोन का। डिमांड क्यों, क्योंकि जब भी इस जोन के अंदर एंटर करता है एक प्राइस पे फ्लक्चुएशन आती है, वो प्राइस राइज करना स्टार्ट कर जाता है। तो यहां पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, एंड आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट है तो मतलब ऑलमोस्ट 2019-18 तक भी जाता है, ठीक है। एंड इस पे भी सपोर्ट लिया, एक शार्प फॉल हमें देखने को मिली, एंड दैट डिमांड जोन बिकम सप्लाई जोन। आप देख रहे हैं यहां पर सप्लाई जोन बन गया एंड उसने नीचे आया, बट आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब आप बात सुनिए, कल है फ्राइडे, फ्राइडे यानी कि वीकली कैंडल की क्लोजिंग है। अगर ये ऑलमोस्ट 480 के ऊपर कल क्लोज कर जाता है वीकली कैंडल की क्लोजिंग, सो आई थिंक यहां पर एक अपमूव रैली स्टार्ट हो सकती है, और अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी इसने ब्रेक करा है जो कि इसने ऑलमोस्ट अक्टूबर या नवंबर में इसने बनाया था। सो आई थिंक अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाता है तो अपने प्रीवियस हाइज तक भी पहुंच सकता है। इस स्टॉक को हम लोग इस तरीके से एनालिसिस करते हैं गाइस, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आ लास्ट स्टॉक इज दैट इज L&T फाइनेंस होल्डिंग, लेट मी शो यू, दैट इज L&T फाइनेंस होल्डिंग, लेट मी शो यू ऑन अर्ली टाइम फ्रेम। ओके अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अप रैली स्टार्ट करी, एंड अप रैली स्टार्ट करने के बाद वो कंटिन्यूसली लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली लोअर लोज एंड लोअर हाइज को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर ऊपर गया, एंड जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो ये रेजिस्टेंस लाइन काम कर रही है, जो प्रीवियस हाइज को टेस्ट करते हुए आई है। अब आप एक कंसेप्ट समझेगा, ये भी साइकोलॉजी का ही पार्ट है। फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आया, एंड थर्ड टाइम आया, एंड फोर्थ टाइम आया, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एक इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ, अपराइजिंग करी। अब यहां पर इसको क्या करना चाहिए, दोबारा नीचे आना चाहिए, बट इसी लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। सो अगर इसका एक ब्रेकआउट आता है, यस वी कैन गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल। लेट मी जूम दिस पर्टिकुलर स्टॉक कि आप लोगों को और क्लियरली विजिबल हो जाए। देखिएगा ये एक जोन है, अगर इस जोन पे एक ब्रेकआउट दे देता है, दैट इज दिस जोन, ठीक है। अगर इस जोन का ये ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल से, सो यस एक अच्छी बाइंग आ सकती है, और एक फ्लैग एंड पोल का भी ब्रेकआउट हम मान के चल सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को जरूर होल्ड करके रखिएगा, एंड मुझे लगता है ये अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, बट ऊपर जब लेवल क्रॉस हो तभी बाय इनिशिएट करेगा। 94.50 के ऊपर आप इस पर अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो पे ऑलरेडी बताया था कि एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बट नीचे से बाइंग आ सकती है बिकॉज द मार्केट इज बुलिश। एग्जैक्ट सेम तरीके से मार्केट ने परफॉर्म करा, एंड मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा एग्जैक्ट ये वाली कैंडल थी, इस वाली कैंडल पे मैंने आपको बोला था शॉर्ट करने के लिए,
ठीक है, पूरा सिनेरियो आप लोगों को कल समझाया गया था कि किस तरीके से शॉर्ट करना है और कहां पर हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, मैंने आपको बोला था अगर आप सेफ ट्रेडर है तो इस ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड करना जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा, बट अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो आप यहीं पर ही शॉर्ट कर सकते हैं, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वही हुआ, हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। एग्जैक्ट इस लेवल से इसने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल आई, प्रीवियस जो भी कैंडल्स थी उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गई, दैट मीन्स कि एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। ठीक है, एक अच्छी खासी बाइंग आई, यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद ये जैसे ही ऊपर गया यहाँ पर हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज हायर साइड में दोबारा रेजिस्टेंस था एंड निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी का मैं चार्ट दिखाता हूँ, निफ्टी पे अभी भी हमें कुछ नहीं करना राइट नाउ, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है दैट इज 14,890 का, सो ऑलमोस्ट अराउंड 14,900 के पास मैं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा कि आप यहाँ पर एक बाइंग करें। ठीक है, तो मैं बाइंग निफ्टी पे नहीं सजेस्ट करूंगा, बैंक निफ्टी पे डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी पे एंड जिस तरीके से मैंने फ्यूचर पे लॉस को रिकवर करा था वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिएगा, सिंपल एनालिसिस थी यहाँ पर कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता दैट मीन्स कि हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता और टारगेट हमारा ये होता, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। एंड उसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिला, लेट मी जूम दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस। यस, सो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि इस पर्टिकुलर जोन पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, आपको मैं दिखाता हूं इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज दिस लेवल। ठीक है, इसने जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करा, बिकॉज इसके लिए प्रीवियस टाइम ये रेजिस्टेंस था, इसको क्रॉस करा, इसी लेवल पे ये कंसोलिडेट करा। देखिए, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसी लेवल पे कंसोलिडेट करा एंड कंसोलिडेट करने के बाद मैंने यहां पर बाइंग बनाई जब इस पे एक ब्रेकआउट आ रहा था ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स पे एक ब्रेकआउट आ रहा था, आई हैव गोन फॉर अ बाय। जब मैंने बाय करा, मैंने आपको बोला मैंने पुट को बाय कर लिया, मैं पुट को शॉर्ट करने के बारे में सोच रहा था, उसके बाद उसे कवर करने के लिए मैंने यहां पर फ्यूचर बाय करा। फ्यूचर बाय करने के बाद मैंने अपनी पोजीशन कहीं यहाँ पर एग्जिट कर ली थी, तो मुझे अराउंड 12,000 या 13,000 का प्रॉफिट हो गया था फ्यूचर पे। एंड मैंने कुछ कॉल्स भी बाय करी हुई थी नीचे की एंड पुट को शॉर्ट्स करा हुआ था, तो मुझे उसमें भी प्रॉफिट हो गए थे। ठीक है, सो राइट नाउ यस, मार्केट इज बुलिश, बैंक निफ्टी बुलिश है। अगर बैंक निफ्टी एक डिप देता है अराउंड 35,000 के आसपास तो एक बाय बन सकता है, बट अभी भी मैं सजेस्ट करता हूँ अगर मैं एक हायर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, सो हायर टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू। देखिए, एक शार्प अप मूव यहां पर कंसोलिडेट एंड कंटिन्यूएशन हो रहा है। ठीक है, सो यस, आई थिंक कि यहां से एक अच्छी अप मूव अभी भी कंटिन्यू कर सकती है मार्केट, बट अगर 35,000 के आसपास आती है तो एक अच्छा बाय आप इनिशिएट कर सकते हैं अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर एक रिवर्सल या रिलायबल पैटर्न फॉर्म करता है। ठीक है, सो गाइस, मिलते हैं आखिरी में, बाय बाय दोस्तों। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इस पे। सो मैं इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा जो हमारा सेकंड बैच होगा, एंड आई होप कि आप लोग कुछ सीखे, कुछ अर्न करें, एंड इसमें लाइव मार्केट एनालिसिस भी एंड वेरियस फेडिबिट्स इंक्लूडेड है। सो प्लीज चेक आउट, आप हमारा कोर्स चेक करिए एंड डेफिनेटली आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल अपनी वीडियो पे। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग।